दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इस जगह पर राजा रजवाड़ा म्यूजियम भी बनाया जाने वाला है, और इसके लिए जमीन संपादन भी कर दी गई है। लेकिन जो जमीन संपादन यानी कि जिस जगह पे और जिस जमीन पर ये म्यूजियम बनना था वो कम दी गई है, ये बात कही है डभोई के विधायक शैलेश मेहता यानी कि शैलेश सोट्टा ने। और इसके लिए शैलेश सोट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मुद्दे पर पत्र लिखा है। शैलेश सोट्टा का कहना है कि अखंड भारत के निर्माण के लिए राजा रजवाड़ो ने भी उतना ही योगदान दिया है। तब राजा रजवाड़ो के लिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के पास जो जमीन संपादित की गई है वो जितनी दी जाने वाली थी उससे कम दी गई है, और इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जरूरी जमीन संपादन के लिए अपील की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खाते जा रहे सरदार साहब ने सौथी ऊंची विश्वनी प्रतिमा त्यार सरदार साहब ने जे कामगिरी छे भारत ने एक ने अखंड बनावा माटे ने ने जे रीते हमने राजाओं ने महाराजाओं ने मनावीने बधा रजवाड़ा नु एकत्रीकरण कर्युं हतुं। लगभग 562 रजवाड़ा एमने भेगा कर्या था अने भारत ने एक ने अखंड बनाव्यो। त्यारे ए राजा रजवाड़ाओं ज्यारे आपणने मिलकतो एमनी सौंपी दीधी होय त्यारे एमनी यादमां एक म्यूजियम बनावानी सरकार तरफथी पहल करवामां आवी छे। ए पहलमां अमे तात्कालिक एनी कामगीरी हाथ पर लेवामां आवे अने एमने तपास करता त्यां जे जमीन छे ए बहु ओछी जमीन एलॉट करवामां आवी छे, एटले पूरती जमीन एलॉट करवामां आवे अने आ म्यूजियम वहेली तके शुरू करवामां आवे एवी अमे मांगणी करी छे अने वडाप्रधानશ્રીને पत्र द्वारा एनी जाण करी छे। कारण के आ प्रोजेक्ट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एटले वडाप्रधानશ્રીનો ड्रीम प्रोजेक्ट कही शकाय, त्यारे एमनो ज्यारे ड्रीम प्रोजेक्ट होय अने एमना प्रोजेक्टमां आ वस्तुने पण प्राधान्य आपवामां आव्युं होय त्यारे एनी तात्कालिक कामगीरी शुरू थाय अने जे जमीन आपवामां आवी छे जमीन पूरती ना होय त्यारे એ તરફ એમનું ધ્યાન દોર્યું છે। સત્વરે કામ થશે અને આ મ્યુઝિયમ શરૂ થશે એવી અમને સંપૂર્ણ આશા છે। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન। બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર, આજ હી બીઆરજી ન્યૂઝ કી મોબાઈલ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઓર એપ સ્ટોર સે ડાઉનલોડ કરે ઓર ખબરો સે લગાતાર જુડે રહે।